गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एडमिशन प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है। आने वाले सेशन में जो भी एडमिशन गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में होंगे, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं BSc बायो और BBA वगैरह में, अब उन स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर आपका एडमिशन होगा। बात करते हैं दोस्तों, एंट्रेंस टेस्ट का नाम क्या है। एंट्रेंस टेस्ट का नाम है आपका CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर आपका एडमिशन गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में होगा। जो भी अभ्यर्थी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अभी से ही आप अपने एंट्रेंस की तैयारी में लग जाएं। विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स को, जो भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उनको एडमिशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। प्रोफेसर अल्प पुरोहित का कहना है कि इसी एंट्रेंस बेस पर हम इस बार एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेंगे। जो भी अभ्यर्थी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एडमिशन लेना चाहते हैं, वे अभी अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लें और इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में लग जाएं। आपके आसपास के जिलों में, हरिद्वार और रुड़की में भी इस एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर जो भी एडमिशन होते थे, वो आपके 12th मार्क्स पर ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मेरिट बेस पर मिलता था, लेकिन इस बार बिल्कुल बदलाव कर दिया गया है। विदाउट एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होगा।